तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है चीज को कि अभी हम ऑर्गेनिक के सारे नेमिंग रिएक्शन को याद करने वाले हैं और एग्जाम में मान के चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 से 13 मार्क्स आपको इन्हीं इसी पे मिलने वाला है। 12 से 13 मार्क्स मान के चलो आपका फिक्स हो जाएगा, ध्यान रखना इन्हीं पे क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, पहले यहाँ पर लिखा है सर जरा, SERGR, फिर लास्ट में A, इक्वल का मतलब है एल्डिहाइड, A फॉर एल्डिहाइड, मतलब S फॉर स्टीफन रिएक्शन, E फॉर इटार्ड रिएक्शन, R फॉर रोजनमुंड रिएक्शन, G फॉर गेटरमैन रिएक्शन, R फॉर रीमर टीमन रिएक्शन। देखो दो R है, एक R का मतलब रोजनमुंड, एक का मतलब रीमर टीमन। इसको अगर हमने याद कर लिया, सर्जरा मतलब SERJRA, सर्जरा जैसे सर्जरी होता है ना, सर्जरी वैसे सर्जरा, अगर इसको हमने याद कर लिया तो बेसिक आइडिया लग गया कि जब भी ये नाम आएगा हम समझ जाएंगे एल्डिहाइड हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप रट लोगे, इसको रट लिया आप कहानी को समझना। अब मैं एक एक करके आपको, चलो रैंडमली कोई भी, चलो रिटायर्ड हो गया, चलो रैंडमली कोई भी मैंने ऐसे नाम ले लिया, मैंने कहा रोजनमुंड आ गया मेरे पास मान लो, चलो ये आ गया गटरमैन कोच आ गया, मेरे पास मान लो चलो रीमन टीमन आ गया, चलो यहीं से स्टार्ट करते, रीमन टीमन आ गया, सर ने बोला था सर जरा में क्या आया था आर, मतलब रीमन टीमन यानी एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। तो देखो यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा ना एल्डिहाइड, लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे, रीमर टीमर वाले रिएक्शन को याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का ट्रिक देख लो। अब देखो रीमर टीमर दो भाई थे, ये ध्यान रखना, दो भाई, ये स्टोरी बना रहा हूँ मैं, रीमर टीमर दो भाई थे, इनको नशा करने का बहुत शौक था। कौन सा नशा करने का, एल्कोहल का नशा, एल्कोहल मतलब फिनॉल का नशा, तो रीमर टीमर फिनॉल का नशा करते थे। लेकिन भाई जो नशा था ना, नशा वो मान के चलो नशा किया और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया, उतर गया नशा जल्दी। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ऐसा करेंगे हम, इसके अंदर डालेंगे हम क्लोरोफॉर्म, फिनॉल के अंदर डालेंगे हम क्लोरोफॉर्म, ताकि नशा बहुत दिन तक रहे, एक साल तक रहे। तो क्या किया उन्होंने, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म डाला। तो हमने ट्रिक क्या बना लिया, देखो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म डाला, फिनॉल को, ठीक है ना, या फिनॉल में ऐसे याद कर लो, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ डाला, ठीक है ना, तो नशा रहा एक साल तक, एक साल तक रहा। तो याद हो गया प्रोडक्ट भी सेलिक्सल्डिहाइड होता है। अब ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो फिनॉल था तो फिनॉल तो रहेगा ही, बस सेलिक्सल्डिहाइड बन गया, हमारा एल्डिहाइड बन गया। इस प्रकार से हम जनरली रीमन टीमन रिएक्शन को याद रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अच्छा ये क्या है बेटा, आपको दोबारा मैं समझाता हूँ। देखो अगर एल्डिहाइड चाहिए यहाँ पर, तो मेरे को पानी भी चाहिए ना, पानी चाहिए, मतलब एल्डिहाइड में ओ होता है ना, ओ लगाने के लिए हम मान लो हमने पानी डाल दिया, पानी से ओ मिल जाएगा, तो ये भी याद हो गया हमें। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो दूसरा रिएक्शन याद करते, दूसरा, अभी आपने सर्जरा के अंदर देखा, ठीक है, अभी आपने सर्जरा के अंदर देखा, सर्जरा में जी आ रहा है, जी यानी गटरमैन कोच। सर गटरमैन कोच को कैसे याद रखेंगे, सर ट्रिक बताओ, तो समझना है गटरमैन कोच। देखो तो गटरमैन कोच के लिए क्या ट्रिक है बेटा, देखो जी फोर होता है गटर, गटर सुना होगा हमने, गटर आपके गली मोहल्ले में गटर होता है, गटर, गटर का सेप कैसे दिखता है, गटर का ढक्कन देखना कभी भी, बेंजीन की तरह दिखता है। तो जैसे गटरमैन आएगा हम समझ जाएंगे बेंजीन की बात चल रहा है। अच्छा गटर के अंदर क्या क्या होता है, गटर के अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है ना, अरे गटर है यार, नाली है, गटर है, उसके अंदर एसिड भी होगा, क्या होगा, एसिड भी होगा। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अब हमारा आंसर देखो एल्डिहाइड होता है, क्या होता है इसके अंदर आंसर एल्डिहाइड, आपको ठीक है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा, जब CO हो और H लग जाए, CHO लग गया, मतलब ये वाला Cl कहाँ जाएगा, तो इस Cl को ख़त्म करने के लिए हम ये डालते हैं AlCl3, ये इस Cl को खा जाएगा और हमारा ये रिएक्शन हो गया। यानी हमने कैसे याद रखा कि गटर का मतलब हो गया, गटरमैन का मतलब हो गया गटर, बेंजीन में अब गटर है तो उसमें क्या क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा, अरे HCl होगा, एसिड भी होगा गटर के अंदर, है ना, जहरीली गैस होगा, HCl होगा, ठीक है ना। अब मेरे को चाहिए एल्डिहाइड चाहिए, तो CHO चाहिए, तो एक क्लोरीन को भगाने के लिए हम डालते हैं AlCl3। क्यों, ये AlCl3 क्या करेगा, इसके तीन बॉन्ड है, समझना इस बात को, तीन बॉन्ड है, तो इस Cl को खा जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली COH जाके लग जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब याद करते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। अब तुम्हें पता है कि रोजनमुंड भी किसके अंदर आने वाला है, रोजनमुंड आने वाला है किसके अंदर, सर्जरा के अंदर। देखो SERR, R फॉर रोजनमुंड, तो रोजनमुंड रिएक्शन को हम कैसे याद करेंगे, समझना। देखो
अब ध्यान रखना, रोज यानी गुलाब। अब इसको याद करने का ट्रिक देखो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ऊपर का दिख रहा होगा। हाँ जी, ऊपर का दिख रहा है। तो कैसे याद रखेंगे, देखो एक बहुत मोटा सा बच्चा है, एक बहुत भद्दा सा बच्चा है। तो ये भद्दा सा बच्चा कौन है, ये एक मोटा सा बच्चा है। मोटा बच्चा कैसा होगा, देखो बेंजीन को मानते हैं हम बड़ा, एक अल्काइल ग्रुप बड़ा पार्ट मानते हैं ना, तो मोटा सा पार्ट मान रहे हैं बेंजीन को, ठीक है ना। अब समझना कि अब ऑक्सीजन है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको याद कर लिया हमने कि ये बड़ा सा मोटा सा भद्दा सा बच्चा है, इस बच्चे को याद कर लिया हमने। अब ये बच्चा क्या करता है, ये ना H2 गैस PD मतलब समझ जाओ PD, इसको हिंदी में पढ़ो पद। तो H2 गैस को वो करता है PD करता है, PD मतलब समझ जाना यार। तो बास आती है, क्या आती है, बास। जब बास आएगी यानी BSA4, तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, हमें नीड पड़ेगी रोज की, हमें गुलाब की नीड पड़ेगी। तो हमने याद कर लिया, अच्छा रोजनमुंड रिएक्शन में गुलाब की नीड है। गुलाब की नीड क्यों है, क्योंकि एक मोटा सा बच्चा है जो बेंजीन के ऊपर COCl वाला बच्चा है, जो हाइड्रोजन गैस H2 गैस PD करता है, जिससे बास आती है BSA4। तो आई होप आपको रोजनमुंड रिएक्शन याद हो गया, फिर काम की बात करते हैं आगे। बेटा अगला रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, अगला रिएक्शन है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन को कैसे याद करेंगे हम, सर इटार्ड रिएक्शन का ट्रिक बताइए। तो इटार्ड रिएक्शन को याद करने के लिए ध्यान रखना एक लाइन, टोलूराम को रिटार्ड करो, रिटार्ड मतलब रोको, रिटार्ड बोलते ना रिटार्डेशन, रिटार्ड करो, रिटार्ड का मतलब क्या समझना, रिटार्ड मतलब रोकना। तो टोलूराम नाम का कोई बंदा है, 50-60 की उम्र हो गई तब भी शादी करने जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं टोलूराम को रिटार्ड करो, रोको उसको। अब यहाँ से क्या ट्रिक बनता है, टोलूराम का मतलब होता है टॉलिन, क्या होता है टॉलिन, और रिटार्ड से निकलेगा इटार्ड, क्या निकलेगा इटार्ड, यानी इटार्ड रिएक्शन में टोलूराम यूज होता है यानी टॉलिन यूज होता है। और करो का मतलब क्या है, करो का मतलब है CrO2, करो का मतलब क्या हो गया CrO2Cl2, याद रहेगा आपको करो का मतलब CrO2Cl2। अब देखो जब भी मुझे एल्डिहाइड चाहिए, मैं बार बार पानी डालता हूँ, जब भी एल्डिहाइड चाहिए ध्यान रखना H3O पॉजिटिव डाल दो तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो देखो हमारा इस प्रकार से ये रिएक्शन याद हो गया बहुत इजी तरीके से। अब अगले रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट स्टीफन रिएक्शन को याद करते हैं। स्टीफन के लिए ध्यान रखना, स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट थे। तो रशियन में क्या आ गया, आर सी एन। रशियन का मतलब क्या हो गया, देखो रशियन। तो रशियन, तो स्टीफन रिएक्शन में स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट था, तो हमने यूज कर लिया RCN, क्या यूज कर लिया हमने RCN। अच्छा इसका S उठा लो, अगर इसका S उठाओगे तो S से क्या मिल जाएगा आपको SN2Cl2, यानी कि देखो स्टीफन रशियन साइंटिस्ट था, मुझे RCN का इस्तेमाल करना है, RCN और स्टीफन का S यानी SNCl2। अच्छा स्टीफन के स्पेलिंग में H भी आता है, क्या आता है H, तो मुझे H से याद आएगा, आपके मन में डाल रहा हूँ मैं कि मुझे HCl भी इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है HCl। अब जब भी एल्डिहाइड चाहिए होता है हम ये डालते हैं H3O पॉजिटिव, मैं बहुत जोर से गाना गा रहा हूँ, जब भी एल्डिहाइड चाहिए होता है H3O पॉजिटिव डालते हैं। देखो RCHO बन गया, क्या बन गया RCHO, ध्यान रखना। चलो मैं छोटी सी बात बोल देता हूँ, जब भी तुम्हें समझ में ना आए कि एल्डिहाइड बन रहा है क्या डालना है, तो ये तो डलता ही डलता है, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि हर रिएक्शन में आपको ये दिखाई देगा। इस प्रकार से हमने भी याद कर लिया, स्टीफन एक रशियन साइंटिस्ट था, RCN है, उसमें क्या डाला हमने S4SNCl2, स्टीफन की स्पेलिंग में H आता है H, यानी HCl डाला, और पाइन तो हर रिएक्शन में डाल रहे हैं हम, H3O पॉजिटिव तो हर रिएक्शन में डाल रहे हैं, तो RCHO बन जाएगा यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते, ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि जितने भी रिएक्शन होते हैं उन सबका आंसर इस वाले रिएक्शन का, सर जरा इन सबका आंसर एल्डिहाइड होगा। देखो तो एस फॉर स्टीफन, तो स्टीफन का आंसर जो स्टीफन है उसका भी आंसर भी एल्डिहाइड ही है, एल्डिहाइड आंसर होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते। बेटा अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के रिएक्शन। अब ध्यान रखना अल्कोहल फिनॉल ईथर में जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उन सबको मैंने नोट डाउन किया है ट्रिक के साथ। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या ट्रिक लगता है वो आपको पहले से पता है, नहीं पता तो सुन लो एक बार और, ठीक है ना। तो क्या सुना रहा हूँ मैं आपको, देखो रीमन टीमन रिएक्शन, तो ध्यान रखना रीमन टीमन दो भाई थे और इनको ना फिनॉल का नशा करने का शौक था, फिनॉल का नशा करने का शौक था। लेकिन जब ये नशा करते थे तो थोड़ी देर बाद नशा उतर जाता था, थोड़ी देर बाद नशा उतर गया तो इनको यार मज़ा नहीं आ रहा, तो उन्होंने सोचा मैं इसमें नशीली दवाई डालूंगा क्लोरोफॉर्म,
मैं इसमें नसीरी डाल दवाई डालूंगा क्लोरोफॉर्म। तो क्या सोचा गया कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ लेंगे, फिनॉल को के ओ एच क्लोरोफॉर्म के साथ लेंगे तो नशा बहुत टाइम तक रहेगा। तो नशा कितने टाइम तक रहा, एक साल तक, ऐसे याद कर लेना, एक साल तक। साल का मतलब हो गया सैलिसिलडिहाइड, साल का मतलब क्या हो गया सैलिसिलडिहाइड। इस प्रकार से हमने रीमन टीमन रिएक्शन को चुटकियों में याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। तो बेटा देखो अगला रिएक्शन हमारे पास क्या है, अगला रिएक्शन है हमारे पास कोलबेस रिएक्शन। अब कोलबे का मतलब समझ लो, देखो पहली बात तो जो भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी वो फिनॉल का है। तो देखो ये फिनॉल है, कैसे याद रखेंगे, देखो कोलबे का तो K4 होता है बेटा काला, K4 क्या हो गया काला, K से मैंने उठाया काला, क्या उठाया मैंने काला, और K से ही मैंने उठाया, देखो K से मैंने एक और चीज उठाया, मैंने उठाया KOH। ध्यान रखना कोलबे दिख जाए कोलबे, K4 काला, K4 KOH। तो मैंने देखो काला क्या होता है, काला होता है हमारे पास CO2, काला क्या होता है हमारे पास CO2, और KOH, KOH से K से उठाया मैंने KOH, K4 काला, काला क्या है हमारे पास CO2, और K4 KOH उठाया मैंने। अब मेरी बात को समझो, जो आंसर इसमें आता ही आता है। अब ये आंसर कैसे आ सकता है समझना, देखो फिनॉल तो छिड़ेगा नहीं, ये OH तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखना हमने क्या किया, हमने CO2 में ना एक H को ऐड कर दिया यहाँ से H, तो ये क्या बन जाएगा COOH, जो यहाँ जाके जुड़ जाता है। अगर कोई आपसे बोलता है कोलबेस रिएक्शन क्या बोलता है, तो आप लिखोगे कोलबे, क्या लिखोगे आप कोलबे, और तुरंत बोलोगे कोलबे, ये तो फिनॉल का रिएक्शन है, ये तो फिनॉल का रिएक्शन है जो सबको पता है। फिनॉल है, इसमें डालना क्या है, इसमें K4 काला यानी CO2 डालना है, और K4 KOH डालना है, तो आपने डाला CO2 और आपने डाला KOH। अब आपको आंसर क्या लाना है, आपको आंसर तो ये लाना है यार, आंसर तो आपको ये लाना है, एसिड लाना है। कैसे एसिड आएगा, तो CO तो है मेरे पास, CO2 तो है, एक H डाल देता हूँ ताकि COOH हो जाए, COOH हो जाए। इस प्रकार से आपने कोलबेस रिएक्शन को याद कर लिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम याद करेंगे डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस को कैसे याद रखेंगे, सुनो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाउज प्रोसेस को याद करने का ट्रिक क्या रहेगा, देखो कृष्ण के भाई थे दाऊ जी, सबको पता होना चाहिए दाऊ जी कृष्ण के भाई थे, वो बहुत बलवान थे। अगर किसी बलवान व्यक्ति को तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा, बहुत टेम्परेचर डालना पड़ेगा, तभी काम होगा। तो ध्यान रखना हमारी केमिस्ट्री में बलवान व्यक्ति कौन होता है, हमारी केमिस्ट्री में बलवान व्यक्ति ये होता है क्लोरीन वाला। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड, क्या आता है यहाँ पर डबल बॉन्ड। यानी कि ये देखो डाउ प्रोसेस से मुझे क्या रहेगा, डाउ से प्रोसेस रहेगा दाऊ जी। अब दाऊ जी कैसे थे, दाऊ जी बहुत स्ट्रांग थे, और स्ट्रांग व्यक्ति को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तो हम ध्यान रखना जब क्लोरोबेंजीन को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल बनता है, क्या बनता है फिनॉल, और इसी को बोलते हैं हम डाउज प्रोसेस। तो डाउज प्रोसेस किसके लिए था, सबसे स्ट्रांग बंदे के लिए, केमिस्ट्री में कौन है क्लोरोबेंजीन, क्या क्या हमने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और बनाना क्या था फिनॉल, तो हमें के ओ एच डालेंगे ना के ओ एच। ये ध्यान रखना छोटी सी बात है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते। बेटा आप पढ़ेंगे क्यूमीन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये कमर्शियली फिनॉल प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, कमर्शियली मतलब एक लार्ज लेवल पे। अब इसको क्यूमीन प्रोसेस को याद करने की ट्रिक क्या होगी समझना, बड़ा आसान है। देखो सी फोर क्या होता है, ए बी सी में जाओगे तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर से हम क्या समझ जाएंगे, इसके अंदर है तीन कार्बन है, कितने कार्बन है तीन कार्बन। अब देखो क्यूमीन जो है, क्यूमीन देखो यहाँ लिखा मैंने तीसरे नंबर पे, तो मैं समझ जाऊँगा तीन कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन। दूसरा मैं क्या समझूंगा, क्यूमीन सीम्स लाइक बेंजीन, पढ़ने में कैसे आ रहा है क्यूमीन बेंजीन, यानी कि नीचे होगा बेंजीन, नीचे क्या होगा बेंजीन। तो देखो क्यूमीन से सी पर है तीन कार्बन होगा और बेंजीन भी वाली फील दे रहा है, तो एक बेंजीन लटका दिया हमने नीचे। अब ध्यान रखना क्यूमीन से एक और बात समझ में आती है, कमीना, क्या समझ में आती है कमीना, यानी क्यूमीन कैसा बंदा है जिसके तीन कार्बन है और क्यूमीन से फील आ रहा है क्यूमीन बेंजीन, तो उसमें बेंजीन लगा हुआ है और क्या फील आ रहा है कि ये कमीना है, सी फोर कमीना। अगर ये कमीना है तो इसको हवाबाजी करने का शौक है, तो O2 डाल के हम बोलते हैं कि यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, तो इसने हवाबाजी किया, O2 यानी एयर की तरह मान लो, तो हवाबाजी किया तो क्या इसको हवा लग गई, तो हमने क्या किया जो यहाँ पर H है H उसमें दो O को डाल दिया तो यहाँ पर हवा लग गई। अब हवा लग गई तो क्या होगा, किसी को हवा लग गई तो उसकी ज़िंदगी टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है, भाई हवा लग गई इसको ये तो बिगड़ गया, तो
तो जिंदगी टूट गई, टूट कैसे गई देखो, यहां से फिनॉल बन जाएगा आपका, ये फिनॉल बन जाएगा और बाकी CH3CH3O बाहर निकल जाएगा, CH3C और डबल बॉन्ड O बाहर निकल गया। इस प्रकार से अपने क्यूमिन प्रोसेस याद कर लिया, फिर आगे बढ़ते बेटा। इस चैप्टर में अगला नेमिंग रिएक्शन देखिए, विलियम सिंथेसिस, विलियम सन सिंथेसिस। कैसे याद रखोगे आप समझना, इसके लिए ट्रिक क्या है, बड़े लोग का दारू बित चखना। क्या लिखा मैंने, बड़े लोग का, देखो विलियम भाई, विलियम विलियम एक बहुत बड़ा आदमी लग रहा है हमें सुनने में, विलियम। तो बड़े लोग का दारू बित चखना, चखना क्या होगा हमारा, सोडियम नमक, ऐसे याद कर लो, सोडियम किस में होता है, नमक में। तो चखना, अरे दारू तो चखने के साथ लेते हैं ना भाई, लिया नहीं क्या कभी है। आगे देखो, छोटे लोगों का अल्काइल हैलाइड, छोटे लोगों का अल्काइल हैलाइड, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, समझ में आएगा। अच्छा अल्काइल हैलाइड क्या होता है यार, ये CH3Cl या RCl, ठीक है ना, या CH3CH2Cl, ये सारे होते हैं हमारे अल्काइल हैलाइड। तो बड़े लोगों का दारू विद चखना और छोटे लोगों का अल्काइल हैलाइड। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो मान लो मुझे इस ईथर को बनाना है, ईथर को, क्वेश्चन को समझना है, इस ईथर को बनाना है। ये ईथर क्या है देखो समझो, यहाँ पर एक बेंजीन है, ओ है और ये CH3। मुझे इसे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, तो ध्यान रखना इसके लिए हम ट्रिक याद करेंगे, ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें होता क्या है, बड़े लोग का दारू। तो आप प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में बड़ा कौन है, बड़ा ये है, बड़ा है बेंजीन, तो बेंजीन का दारू, तो बेंजीन का दारू ये रहा, बेंजीन का दारू होता है फिनॉल, बेंजीन का दारू होता है फिनॉल, लेकिन बोला है विथ चखना, चखना यानी सोडियम, चखना यानी सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम लगा दो, ओ एन ए लगा दिया मैंने, ओ एन ए लगा दिया। अब जो छोटा छोटा बंदा कौन है, सी एस थ्री, इसमें छोटा बंदा कौन है, सी एस थ्री, तो छोटे वाले बंदे का लेना है अल्काइल हैलाइड, तो छोटे वाले का कोई भी ले लो, मैंने ले लिया CH3Cl, तो आंसर में क्या आएगा बताओ, क्या NaCl निकल जाएगा, क्या NaCl निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया OCH3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे याद करना है इस ट्रिक को, इस रिएक्शन को। अगला एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बनाना है, अगर ये बनाना है, ईथर है, ईथर, तो मुझे याद रहेगा ये कौन सा रिएक्शन है, विलियम सिंथेसिस, मुझे याद तो करना पड़ेगा भाई कुछ बात। अब यहाँ पर बड़ा कौन है, तो मैंने देखा बड़ा कार्बन कौन है, ये दो कार्बन बड़े हैं, एक कार्बन छोटा है, दो कार्बन बड़ा होगा एक कार्बन छोटा होगा, तो बड़े लोगों का, बड़े लोगों का क्या लेना है, दारू विद चखना सोडियम, तो दारू होगा OH, पर चखने के साथ बन जाएगा ये ओ एन ए प्लस माइनस, मतलब माइनस एन ए प्लस, समझ में आ रहा है, मतलब ये बड़े लोगों का दारू था CH3CH2OH था, लेकिन जब सोडियम आया, चखना आया, तो H हट गया। अब छोटे लोग कौन है, छोटा ये है, छोटा ये है CH3, बड़े लोगों का दारू विद सोडियम, छोटे लोगों का चखना, तो CH3Cl और आंसर मेरा आ गया, ठीक है ना, जो भी मेरे चाहिए CH3O CH2 CH3, कैसे, यहाँ से NaCl निकल जाएगा आपका, NaCl निकल जाएगा और ये CH3 अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम आगे बढ़ते। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट मान के कह सकते हो, ये एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला है वॉल्फ किशनर रिडक्शन, वॉल्फ किशनर रिडक्शन, इसका ट्रिक क्या होगा, आप मानोगे ये ना एक कृष्णा नाम का बच्चा है, कृष्णा, कृष्णा ने देखा भेड़िया को, वॉल्फ यानी भेड़िया, जब भेड़िया को देखता है वो तो क्या चिल्लाएगा, वॉल्फ यानी भेड़िया, भेड़िया को देख के, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले सुन लो, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो वॉल्फ किशनर रिडक्शन, इसमें क्या होता है, भेड़िया को देख के कृष्णा बोला नहीं नहीं ओह, नहीं नहीं ओह, याद हो गया। तो अब ये है रिडक्शन, किसका है, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पर दो H लग जाएगा, तो याद कैसे रखेंगे, वॉल्फ किशनर में क्या था, नहीं नहीं, यानी NH2 NH2 OH, काम हो गया। और यहाँ पर क्या है, रिडक्शन लिखा है क्वेश्चन में, तो डबल H लगा दिया, ऑक्सीजन को भगा दिया, खेल खत्म। अगला है क्लेमेंसन रिडक्शन, इसे कैसे याद रखोगे, देखो समझना, क्लेमेंसन रिडक्शन को याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो समझना, यहाँ पे लिखा है सन है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, SON, सन का मतलब होता है बेटा, क्या होता है, बेटा। अब बेटे का जब कलम होगा, कलम क्या कलम होगा, सर, अगर बेटे का सर कलम होगा तो बाप दुनिया को बोलेगा, भाई अपने भाई, अपने रिश्तेदार को बोलेगा, हाँ चल, क्या बोलेगा, हाँ चल मेरे बच्चे के लिए मेरी जान हाजिर, क्या बोलेगा, हाँ चल मेरे बच्चे के लिए मेरी जान हाजिर, तो हाँ चल, कल लिख दिया मैंने CL, यानी चल, जान हाजिर, जान हाजिर। और हो क्या रहा है यहाँ पर,
रिडक्शन, यानी ये ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पर आपको H मिलेगा। क्या मिलेगा? H। तो देखो क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे रखेंगे कि जब बेटे का क्लेमेंसन बेटे का सर कलम होगा तो जान हाजिर होगा और दुनिया को बोलेगा चलो हाँ चल। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से हमने याद कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो अभी से ही बढ़ लेते हैं। क्या अगला है हमारे पास? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके भाई साहब लोग पागल हो रहे हैं इसके लिए, कहते बड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं, देखो एल्डोल A L D O L, यहां से क्या समझ में आता है? डी को उठा लो, डी को। अगर आप डी को उठाते हो तो क्या समझ में आएगा? डी फोर हो गया दो। क्या हो गया? दो। और डी फोर होता है डाइल्यूटेड। क्या होता है? डाइल्यूटेड। तो ध्यान रखना दो होना चाहिए। क्या यहां पर होना चाहिए? दो अल्फा हाइड्रोजन। कई लोगों को अल्फा हाइड्रोजन ही पता नहीं होगा। देखो अगर ये मेन कार्बन है मेरा, कार्बोनिल कार्बन, तो इसके बगल वाला जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कहता है कि एल्डोल का मतलब, यहां से मैंने डी उठाया, डी, डी का मतलब होगा दो अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम दो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा क्या? डी फॉर डाइल्यूटेड बेस डालेंगे, डाइल्यूटेड बेस डालेंगे। और कंडेंसेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ H2O। क्या मतलब हो गया? रिमूवल ऑफ H2O। अब मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूं आपको। देखो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है मेरे पास ये क्वेश्चन है CH3, ठीक है CH3, और दो से याद रखना दो, यहां पर CH3, ये मेरा है मेन कार्बन। क्या उसके बगल में जो कार्बन है? हाँ, उसके बगल में कार्बन है। क्या इनके पास हाइड्रोजन है? हाँ जी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर दो से एक और चीज़ याद रख सकते हो कि दो लेना है आपको हमेशा, दो ले लिया मैंने। अब कह रहा है कि देखो क्या डाइल्यूटेड बेस है? हाँ जी डाइल्यूटेड बेस है। क्या ये भी डाइल्यूटेड बेस है? OH तो बेस होता है। हाँ जी डाइल्यूटेड बेस है। हीट भी करते हैं, चलो हीट कर लेंगे। अब तो ये हमारा पहचान हो गया एल्डोल का। सबसे पहला क्या होता है एल्डोल का पहचान? कि डाइल्यूटेड बेस हो, ठीक है जी, अल्फा हाइड्रोजन हो। हाँ जी अल्फा हाइड्रोजन है, दो फॉर दो अल्फा हाइड्रोजन हो कम से कम। और हमें लेना क्या है? दो कप, दो मोल लेने हैं इनके। अब क्या करना है हमें? रिएक्शन कैसे करवाना है? देखो आपने कंपाउंड लिया कितना था? आपने दो लिए थे। देखो CH3CO CH3 दो, तो इसको खोल के लिखो दो बार, एक बार और एक बार यहाँ खोल के लिख दिया, लिख दिया खोल के सर। हाँ जी अब करना क्या है? इसी साइंस में लिख दिया। अब इस वाले जो पहला वाला है इसका ऑक्सीजन पकड़ो और दूसरे वाले में से जो कार्बन है उसके दो H को पकड़ लो। अगर दो तीन H है ना, एक H को बाहर निकाल रहा हूँ मैं, दो H को पकड़ लो तो यहाँ से निकल जाएगा पानी। क्या निकल जाएगा? पानी। अगर पानी निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर देखो बचा सी डबल बॉन्ड, बचा यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, यहाँ बचा सी एच, दो एच निकल चुका है सी एच और बाकी सब सेम। तो देखो सी डबल बॉन्ड है सी एच, बाकी सब सेम, ये पूरा मामला सेम आ जाएगा और इसके पीछे का पूरा सेम आ जाएगा। तो इसके पीछे का ये हो जाएगा और इसके आगे का ये हो जाएगा। देख लो CH3CH, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ से पानी निकाल के जोड़ देना, इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन के साथ जोड़ देना। देखो CH3CH3 सेम है, ये जुड़ गया और बाकी आगे का भी सेम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की ट्रिक क्या है? ध्यान से समझना। C4 होता है कंसंट्रेटेड, तो कैनिजारो रिएक्शन में कंसंट्रेटेड बेस का इस्तेमाल होगा। कैनिजारो में कंसंट्रेटेड बेस का इस्तेमाल होगा। N4 होगा, नहीं हो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या? R का मतलब, कैनिजारो की स्पेलिंग में R का मतलब हो जाएगा रिडक्शन, O का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब क्या? एग्जांपल समझेंगे। हमने इस कंपाउंड को देखा, इस कंपाउंड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्यों? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? कि यहां पर एक अल्फा कार्बन हो, तो ये वाला हाइड्रोजन अल्फा होता है। पर यहां पर कोई कार्बन ही नहीं है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हमें क्या, और क्या यहां पर कंसंट्रेटेड बेस है? हाँ जी, जब भी कंसंट्रेटेड बेस होगा, बेस यानी NaOH, तो हम समझ जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है सर? तो रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। अगर इसका आप रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? रिडक्शन करने से एक H मिलेगा इसको और ये बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। देखो CH2OH अल्कोहल। अच्छा ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो इसका Na होता है, Na वो H को रिप्लेस कर देता है, तो हम यहाँ पर Na लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो ध्यान रखना, एक का ही ऑक्सीडेशन होता है, एक इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, इसी कंपाउंड का रिडक्शन, एज पर द ट्रिक। अच्छा अगला देखो, ये कंपाउंड है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो जी नहीं सर, इसके पास अगल बगल कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन है ना, अगर है भी तो हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। डाला कंसंट्रेटेड NaOH,
यानी ये हो गया हमारा कैनिजारो C4 कंसेंट्रेटेड NaOH। तो क्या होगा, एक का ही रिडक्शन होगा, अल्कोहल बनेगा और एक का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और आपको पता है H को Na रिप्लेस कर देता है, तो Na ने H को रिप्लेस कर दिया। एक्चुअली में ये H था, इसको Na ने रिप्लेस कर दिया था। तो कैनिजारो रिएक्शन भी हमारा हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चलो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की ट्रिक, थैलामाइड रिएक्शन बोलते हैं इसको, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक ये है, देखो लिखा है थैलामाइड यानी थैला। अब थैला कैसा दिखता है, थैला देखो हमने यहाँ पर ऐसा बनाया, बेंजीन बनाया और आगे हमने थैला का रूप दिया इसको, थैला। देखो सी डबल बॉन्ड ओ एन एन, ठीक है यहाँ पर एन है, ये एन एच है यहाँ पर, इसको हमने थैला बनाया। देखो थैले की तरह लग रहा है, ऐसे पकड़ सकते हैं थैला, समझे। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में एक थैला बनाया हमने, थैला, इसको याद कर लेना प्लीज। थैला दिख रहा है, बिल्कुल थैला दिख रहा है, इसे पकड़ सकता हूँ मैं, ऊपर से एच से होल्ड कर सकता हूँ, थैला है ये। अब ध्यान से समझना यहाँ पर हम ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारे पास ये बार क्लब, क्या लिखा है बार क्लब, यानी कि बी आर सी एल बी, बी आर बार क्लब, सी एल बी, सी एल बी बार क्लब। देखो सी एल ऐसे लिख रहा हूँ मैं, सी एल, तो ये हो गया सी ल क्लब, तो बार क्लब। इसका मतलब क्या है कि पहले बेस डालना है, फिर बेस डालना है, फिर आर सी एल डालना है, बेस डालना है, फिर आर सी एल डालना है, फिर बेस डालना है, समझ रहे हो। देखो पहले मैंने बेस डाला, बेस डालूंगा तो क्या होगा, देखो ये जो एच है ओ एच के साथ निकल जाएगा, तो क्या नहीं मिलेगा हमें, एन के साथ के मिल जाएगा, एन प्लस के माइनस। तो पहले हमने बेस डाल दिया, बेस के बाद आएगा आर सी एल बार, बी आर बार क्लब, सी एल बी, तो बेस डाल दिया। आप डालेंगे आर सी एल, क्या डालेंगे आर सी एल, मतलब मैंने डाल दिया सी एच थ्री सी एल। अगर सी एच थ्री सी एल डालूंगा, आर का मतलब यही होता है, सी एच थ्री सी एल डालूंगा तो के सी एल निकल जाएगा, तो एन के साथ सी एच थ्री जुड़ गया, एन के साथ सी एच थ्री जुड़ गया, तो बेस ये डल गया, बी डल गया, आर सी एल डल गया। अब दोबारा बेस डालना है, क्या डालना है, तो चलो मैंने बेस डाल दिया एन ए ओ एच, क्या डाल दिया मैंने एन ए ओ एच। तो इस एन ए ओ एच को दो बार आप लिख लोगे, दो बार लिख लोगे एन ए ओ एच एन ए ओ एच। अब ध्यान से समझना, ध्यान से यहाँ पर क्या किया मैंने, समझना यहाँ से मैंने एन, देखो ये एच दिख रहा है, दो एच, ये दो एच और एन को बाहर, इन पूरे को बाहर निकाल लिया, तो क्या बन जाएगा, देखो एन सी एच थ्री और एच टू, तो एन एच टू सी एच थ्री बचा क्या, फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए ओ एन ए ओ और एन ए ओ बच गया। इसको बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो अगला है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो अब समझना, ब्रोमाइड यानी देखो बी फोर क्या हो गया, बी फोर हो गया बेस, नाम से पता लग जाएगा बी फोर बेस। दूसरा क्या, बी फोर ब्रोमीन, बी फोर ब्रोमीन, और यहाँ लिखा है अमाइड, अमाइड से कहीं ना कहीं फील आता है अमाइड का, ठीक है कहीं ना कहीं फील क्या आता है अमाइड का। तो देखो पहली बात ध्यान रखना होफमैन ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या है डिग्रेडेशन यानी कम, यानी मुझे क्या क्या बात समझ में आ गया, किसके अंदर बेस का इस्तेमाल होगा, बेस यानी NaOH का इस्तेमाल होगा। दूसरा लिखा है ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और एक अमाइड होगा, क्या होगा अमाइड, तो अमाइड तो ऐसा ही दिखता है भाई, तुम क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हो, अमाइड तो पता ही होगा, अमाइड इसे बोलते हैं। अच्छा यानी ब्रोमाइड से सब समझ में आ गया, बी फोर ब्रोमीन, बी फोर बेस यूज करना, बी फोर और अमाइड, अमाइड ब्रोमाइड में अमाइड, तो अमाइड में रिएक्शन होगा। और डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, डिग्रेड का मतलब होता है कम करना, क्या करना कम। तो देखो जैसे ये डालेंगे ये वाला कार्बन कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आर एन एच टू, क्या बचेगा आर एन एच टू बचा, सिर्फ आर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सी एच थ्री जैसे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो एन एच टू, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका सी एच थ्री एन एच टू। तो देखो इसको बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे हम, ट्रिक क्या रहेगा हमारा, ध्यान रखना एक लाइन है छोटी सी, कार्बाइल अमाइन ने क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया, क्लोरोफॉर्म को, इसको पढ़ो को, क्या पढ़ो इसको को, कार्बाइल अमाइन ने क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया, कार्बाइल अमाइन ने क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया, तो कार्बाइल अमाइन ने, ठीक है। अब देखो यहाँ से सी से पता लग जाएगा आपको कि कार्बन होना चाहिए, तो सी एच थ्री एन एच टू, देखो कार्बाइल यानी कार्बन, अमाइन यानी एन एच टू, तो देखो कार्बन एन एच टू, तो कार्बाइल से सी फोर ये मिल गया मुझे, अमाइन से एन एच टू, ठीक है, तो कार्बाइल अमाइन का आ गया कार्बाइल अमाइन, सी फोर कार्बाइल अमाइन, तो सी एच थ्री एन एच टू के लिए ये रिएक्शन, ठीक है। अब डाला क्या इसने यूज़ किया, कार्बाइल अमाइन ने क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया, तो उससे उसको गंदी स्मेल सुनाई दी, तो उसको क्या मिलता है सी एच थ्री एन ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच थ्री एन ट्रिपल बॉन्ड सी, जिसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। दोबारा कार्बाइल अमाइन ने क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया, कार्बाइल का मतलब हो गया कार्बन, अमाइन का मतलब एन एच टू,
तो CH3NH2 में क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को KOH को यूज़ किया तो उसको क्या मिला, गंदी स्मेल। तो ये हो गया हमारा, ध्यान रखना 1 डिग्री के लिए होता है ये, 1 डिग्री में गंदी स्मेल सुनाई देती है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में सुनाई नहीं देती, सुनाई मतलब सुंघाई, मतलब सुंघ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन के सारे नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक्स। पहला रिएक्शन जो आता है नेमिंग रिएक्शन में वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, फिंकलस्टीन रिएक्शन को इस कैसे याद रखेंगे हम, देखो फिंकलस्टीन में क्या होता है, जब भी हम कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं और हमें आयोडीन चाहिए, क्या चाहिए, आयोडीन, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी क्लोरीन की जगह अगर आयोडीन चाहिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तरीका क्या रहेगा, तरीका देखो, फिंकल में पढ़ो FIN, क्या पढ़ोगे, FIN, तो यहां से मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे N और I का कोई रिलेशन है, यानी कि मुझे डालना है NAI, क्या डालना है मुझे NAI, और यहां से देखो फिंकल में मैंने ऐसे L दिख रहा है, L, यानी L से क्या लगेगा मुझे पता कि जो क्लोरोबेंजीन है उसकी जगह पर आयोडीन आने वाला है, तो NAI डालेंगे तो CH3I बन जाएगा। दोबारा फिंकलस्टीन में क्या होने वाला है, फिंकलस्टीन में N, फिंकल की स्पेलिंग में क्या आ रहा है IN, तो NAI डालने वाला है और क्लोरीन की जगह पर आयोडीन लगने वाला है, यानी अगर ब्रोमीन भी होता ना तब भी NAI डालते तो वहां पर क्या लग जाता हमारा CH3I लग जाता, ये ब्रोमीन हट जाता। तो बात समझ में आ गया। अच्छा, अगला ट्रिक क्या है, सॉर्ज रिएक्शन। सॉर्ज रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे हम, देखो सॉर्ज रिएक्शन हो गया, देखो SWA से याद कर लो स्वैग, क्या याद कर लो स्वैग, और स्वैग जिस बंदे के पास होता है वो आग फायर वाला बंदा होता है, आग फायर, तो स्वैग में क्या डालेगा, आग फायर, स्वैग है तो आग फायर है। तो देखो CH3Cl था उसमें डाला हमने AgF, तो आंसर क्या, आग फायर डाला तो CH3F और AgCl, मतलब कि क्लोरीन हट गया, फ्लोरीन लग गया और Ag और Cl बाहर निकल गए। देखो AgCl बाहर निकलेंगे, फ्लोरीन लग जाएगा और हमें पता लग जाएगा जब भी ये होगा आग फायर तो हम समझ जाएंगे ये स्वैग रिएक्शन है, स्वैग मतलब स्वार्ज रिएक्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे, क्या ट्रिक है वुड्स रिएक्शन का, तो वुड्स रिएक्शन का ट्रिक बहुत सिंपल है। देखो वुड्स मतलब बुजुर्ग, क्या हो गया बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी तुम्हारे नाना, तो हमें यूज़ करना है 2Na, क्या यूज़ करना है 2Na, 2Na यूज़ करेंगे तो अल्काइल हैलाइड भी 2 लेंगे, कितने लेंगे 2। अब याद हो गया, अब जो हमारे नाना है वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग यानी कि वुड्स रिएक्शन में नाना यूज़ होगा यानी 2Na यूज़ होंगे। दूसरी बात, अगर बुजुर्ग है तो उनकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, ड्राई, तो हमने बोला कि ड्राई ईथर डालेगा, क्या डालेगा ड्राई ईथर, स्किन ड्राई हो गई, बूढ़े हैं ना हमारे नाना, तो देखो क्या होगा, अब हमारा CH3 बन गया। क्यों, जब आपने 2Na लिया और 2CH3 लिया तो क्या होगा, ये आपस में जाके आगे जुड़ जाएंगे, CH3 बन जाएंगे, कैसे 2NaCl निकलता है यहाँ पर, अगर 2NaCl निकलेगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, इसे याद कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। जब 2CH3 हमने डाला ना 2CH3, तो आपस में जब Cl हट जाएगा ना Cl, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, कॉल आ गया था, मैं चला गया था। अगला देखो, अगला रिएक्शन क्या है हमारे पास, फिटिक रिएक्शन। जैसे अब F4 याद रखोगे फादर, क्या याद रखोगे फादर, F4 याद रखोगे फादर, क्या रखोगे फादर, तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है फिटिक रिएक्शन में, ध्यान रखना इसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और F में फादर क्यों बोल रहा हूँ फादर, आप क्लोरोबेंजीन की जगह पर इसको फ्लोरोबेंजीन एज्यूम कर लो, पर है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, तो हमने फ्लोरोबेंजीन यूज़ कर लिया ताकि हमें F4 फिटिक दिख जाए, F4 फादर लग जाए, ठीक है, और F4 फ्लोरोबेंजीन में मिल जाए, F4 फिटिक, F4 फादर, F4 फिटिक, F4 फ्लोरोबेंजीन। तो देखो जब हमारे फादर है, फादर तो फादर भी देखो अब हमारी एज हो गई है काफ़ी 35, 26, 30 साल या 19, तो पापा की स्किन भी क्या हो जाएगी ड्राई, तो पापा की स्किन भी ड्राई हो जाएगी और पापा हमारे नाना की तरह हो जाएंगे, तो देखो इसमें भी डलेगा 2Na और ड्राई ईथर मतलब वही, तो दोबारा क्या होगा ये भी 2 लेना है आपको, जब 2Na लिया है तो ये भी 2 और ये जाके आपस में 2 हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे ऐसे, तो 2 बेंजीन आपके यहाँ पर आपको मिल गए। दोबारा वुड्स रिएक्शन में नाना थे, वुड्स रिएक्शन में नाना थे, CH3Cl था जो दुगना हो गया था, CH3 बन गया था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है फिटिक रिएक्शन जिसमें फादर है जो हमारे फ्लोरोबेंजीन है जो दुगना हो जा रहे हैं नाना की तरह है, 2N नाना हमारे नाना की तरह है, तो ऐसे हमने ट्रिक बना लिया। अगला देखो क्या है, अगला है वुड्स फिटिक रिएक्शन जो हमारा लास्ट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, अभी देखते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या है, वुड्स में लिया था CH3Cl, फिटिक में लिया था फ्लोरोबेंजीन जैसा, फ्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन जैसा, यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने 2Na ड्राई ईथर, तो पता ही है ये हमारे फादर है, फादर किसकी तरह है नाना की तरह है 2Na, तो क्या होगा
टू NaCl निकल जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखो CH3 और Cl आपस में, ये बेंजीन वाला आपस में जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं वुर्ज फिटिक रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हल्का सा ट्रिक समझ में आया होगा, इस वाले में थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा, कुछ बन नहीं रहा था, जैसे जैसे बनाया है। अगला कुछ है कि अपने पास, अगला अपने पास कुछ भी नहीं है भाई, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ईमानदारी से, ऑनेस्टली प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डिमांड कर सकते हो, अब मेरी तबीयत ठीक है।